नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है न्यू जयपुर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। आप सभी व्यूवर्स को ईद की और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं हमारे पूरे न्यू जयपुर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल से। तो आपकी क्लासें चल रही थी जिसके अंदर हम लोग केमिस्ट्री पे चर्चा कर रहे थे, उसके अंदर हमने परमाणु मॉडल पढ़ लिया था और परमाणु के बारे में जो जो तत्व जो परमाणु के अंदर आते हैं उन सब के बारे में चर्चा कर ली थी। बाकी थोड़े से कुछ अपना परमाणु के और बाकी रह गया, उसके बाद हम आयन व अणु स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आपका थोड़ा सा मेरे हिसाब से एक वो बाकी रह गया था, आपको खोज नहीं बताई थी मैंने, तो आप हेडिंग लगा दो। हेडिंग क्या लगाओ, सीधा लिख दो ऐसे, नोट लगा के कहीं पे भी नोट लगा के लिख दो। एक तो बाकी था प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज किसने की। अब ऐसे सवाल बनते नहीं हैं तो भी चलो नॉलेज के लिए, प्रोटॉन के खोजकर्ता माने जाते हैं गोल्डस्टीन। प्रोटॉन के खोजकर्ता गोल्डस्टीन व न्यूट्रॉन के खोजकर्ता सर जेम्स चैडविक को माना जाता है। ठीक है, ये बस ऐसे नॉलेज के लिए याद होना चाहिए बस आपको, जेम्स चैडविक। ठीक है, प्रोटॉन की खोज किसने की, गोल्डस्टीन ने, और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक के, जेम्स चैडविक ने की थी। और दोनों तत्व किसमें पाए जाते हैं, ये दोनों पाए जाते हैं परमाणु के नाभिक के मध्य में। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, हो गया इतना से क्या। अब आपने परमाणु के अंदर लास्ट में हम लोगों ने परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, इन सभी के ऊपर चर्चा कर ली थी, और आपको न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालते ये भी मैंने बता दिया था। अब हेडिंग लगाओ आप लोग, समस्थानिक व समभारी के दो टर्म्स होती, क्या मतलब होता है इनका। सबसे पहली टर्म्स आती है आप लोगों के सामने समस्थानिक, समस्थानिक, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको आइसोटोप्स, आइसोटोप्स। और दूसरी टर्म है समभारिक, आइसोबार, आइसोबार्स। अब देखो इनको नाम से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला आता है समस्थानिक, मतलब जिसका स्थान समान हो, और समान स्थान किसका होता है, परमाणु क्रमांक, जिसका परमाणु क्रमांक चेंज ना हो वो क्या कहलाएंगे, समस्थानिक। या जिसका परमाणु क्रमांक समान हो वो क्या कहलाएंगे, उसका समस्थानिक कहलाएंगे। और समभारिक, जिसका परमाणु द्रव्यमान, या परमाणु द्रव्यमान कह सकते हैं या परमाणु भार कह सकते हैं, समान हो वो क्या कहलाएंगे, समभारिक। तो आप लोग समस्थानिक की डेफिनेशन कैसे दोगे, समस्थानिक की डेफिनेशन होगी कि किसी भी तत्व के परमाणु में परमाणु क्रमांक अथवा प्रोटोनों की संख्या अथवा इलेक्ट्रॉनों का समान रहना तथा न्यूट्रॉनों की संख्या में परिवर्तित होना समस्थानिक कहलाता है। ठीक है, तो इसको डेफिनेशन में लिख दो आप लोग, समस्थानिक की डेफिनेशन लिखो। समस्थानिक की डेफिनेशन क्या होगी, किसी तत्व के परमाणु में परमाणु क्रमांक या प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, अब मैंने बता दिया था जिसके अंदर प्रोटॉन की संख्या उस समान होगी, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बराबर रहेगी, या उदासीन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की संख्या, या सीधा लिख दो इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो, इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो क्या कहलाएंगे, समस्थानिक कहलाते हैं। समान हो ऐसे तत्व क्या कहलाएंगे, समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक है, अब प्रोटॉनों की संख्या समान है तो परिवर्तन किसमें होगा, न्यूट्रॉनों की संख्या में, तो लिख दो इसमें, किसमें, समस्थानिक में, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या परिवर्तित होती है, की संख्या परिवर्तित होती है। न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे परिवर्तित होती है, जैसे आप लोगों के सामने एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक पाए जाते हैं, सबसे पहला पाया जाता है प्रोटियम, दूसरा ड्यूटीरियम और तीसरा ट्राइटेरियम। अब तीनों के अंदर प्रोटोनों की संख्या समान रहेगी और हर बार चेंज होगी वो क्या होगी, न्यूट्रॉनों की संख्या सेम अलग अलग होगी।
देखो उदाहरण के रूप में एग्जाम्पल, एग्जाम्पल हो जाएगा हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने होते हैं, हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक पाए जाते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक पाए जाते हैं। नंबर वन प्रोटियम, नंबर टू ड्यूटीरियम और नंबर थर्ड आएगा ट्राइटीरियम, ठीक है। तो क्या होगा देखो इसके अंदर, एक तो होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी होगा इसके अंदर एक। अब इधर प्रोटॉन तो एक, न्यूट्रॉन एक एक्स्ट्रा आ जाएगा, इधर वापस प्रोटॉन एक और न्यूट्रॉन दो, ठीक है। ये तीनों हो प्रोटियम ड्यूटीरियम तथा ट्राइटीरियम। अब आपको कई कई इनकी जगह प्रोटीरियम की जगह पी और वन वन लिखा हुआ मिल जाएगा, ड्यूटीरियम की जगह डी एस डी वन और डी टू मिल जाएगा और ट्राइटीरियम की जगह टी वन और टी थ्री मिल जाएगा। अब ध्यान रखना आपको, एक आपने पढ़ा होगा डी टू ओ, एच टू ओ तो सबने पढ़ा है भाई, एच टू ओ यानी जल। अब डी टू ओ पढ़ा होगा, डी टू ओ होता है भारी जल, भारी जल यानी ड्यूटीरियम। इसके अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है एक और इसके अंदर प्रोटोनों की संख्या, इसके अंदर प्रोटोनों की संख्या एक, इसके अंदर भी प्रोटोनों की संख्या एक और इसके अंदर भी प्रोटोनों की संख्या एक। परिवर्तन किस में हो रहा है, न्यूट्रॉनों की संख्या में। मैंने आपको लिखवाया था परमाणु क्रमांक के अंदर, जिसके अंदर प्रोटोनों की संख्या सेम हो परमाणु क्रमांक और परमाणु भार लिखाया था, जिसके अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या कहलाते हैं परमाणु भार। तो हर बार किस में चेंज हो रहा है, यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या में चेंज हो रहा है, एक न्यूट्रॉन एक यहाँ पे एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन और उसके बाद दो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन, ठीक है। ये तो हो गए हाइड्रोजन के समस्थानिक। एक और एग्जाम्पल लिख दो आप इसके नीचे, एक और एग्जाम्पल लिख दो, कार्बन, कार्बन के समस्थानिक, कार्बन के समस्थानिक देखें तो कार्बन के तीन प्रकार के समस्थानिक मिलते हैं। सबसे पहले कार्बन कितने नंबर पे आता है, परमाणु क्रमांक क्या होगा, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन, तो छह नंबर। कार्बन के समस्थानिक में सबसे पहले C6। अब इसके अंदर छह प्रोटॉन है तो छह ही न्यूट्रॉन, तो टोटल कितने हो जाएगा परमाणु भार इसका C12। अब C6 40। अब इन सब के अंदर क्या है, न्यूट्रॉनों की संख्या परिवर्तित होती जा रही है। पहले के अंदर कितने न्यूट्रॉन है भाई, जितने प्रोटॉन उतने न्यूट्रॉन यानी छह प्रोटॉन छह न्यूट्रॉन। दूसरे के अंदर छह प्रोटॉन सात न्यूट्रॉन, तीसरे के अंदर छह प्रोटॉन व आठ न्यूट्रॉन है, ठीक है। ये हो गए इसके समस्थानिक। हर बार परिवर्तन किस में, न्यूट्रॉनों की संख्या में। तो मैं आप लोगों के सामने इसके नीचे लिख देता हूँ, पी यानी प्रोटॉन कितने छह, न्यूट्रॉन कितने छह, इधर प्रोटॉन कितने छह, न्यूट्रॉन कितने सात, इधर प्रोटॉन कितने छह, न्यूट्रॉन कितने आठ। समझ में आ जाएगा, पी यानी प्रोटॉन एन यानी न्यूट्रॉन। ये हो गया आपके समस्थानिक, ले लो इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, ये हमने पढ़ा अभी समस्थानिक, इंग्लिश में बोलते हैं आइसोटोप्स। कोई हार्ड नहीं है, इजी है, इसको समझने की कोशिश करो, बस रटने की कोशिश मत करना इसको, रटोगे तो भूल जाओगे, समझोगे तो याद रहेगा, ठीक है। अब हेडिंग लगाओ समभारिक, नंबर दो समभारिक, नंबर दो समभारिक। इसको कैसे समझेंगे, उसमें हमने पढ़ा था समस्थानिक के अंदर प्रोटोनों की संख्या समान थी यानी परमाणु क्रमांक समान था। अब समभार, भार किसका कैसे मापते हैं परमाणु क्रमांक के अंदर, जिसके अंदर उसका भार यानी प्रोटोन व न्यूट्रॉनों की संख्या समान रहेगी। तो इसके अंदर लिखो आप लोग समभारिक के अंदर, किसी तत्व के परमाणु में, किसी तत्व के परमाणु में परमाणु का भार या द्रव्यमान, भार या द्रव्यमान समान हो, समान हो, उसे समभारिक कहते हैं, उसे समभारिक कहते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर परमाणु क्रमांक सेम रहेगा दो तत्वों के, ऐसे एग्जांपल के अंदर दो तत्वों को लेके हम कंपैरिजन करेंगे, जिसके अंदर उनका परमाणु
क्रमांक अलग अलग होगा मगर परमाणु भार क्या होगा, सेम होगा। एग्जाम्पल जैसे कि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, नाइट्रोजन कितने नंबर पे आती है, 7। अब मान लो कार्बन का एक समस्था ने करवाया था मैंने आपको C14 और ये नाइट्रोजन 14, तो इन दोनों के अंदर परमाणु क्रमांक क्या हो रहा है, अलग अलग हो रहा है, मगर इनका भार क्या है दोनों के अंदर समान है, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, आपस में समभारिक कहलाएंगे। ठीक है, अब इसके अंदर देखो, अब इसके अंदर प्रोटोनों की संख्या कितनी थी, 6, और न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8। ठीक है, इसके अंदर प्रोटोनों की संख्या 7 और न्यूट्रॉनों की संख्या भी 7। ठीक है, तो चेंज किसके अंदर हो रहा है, आपने यहां पे परमाणु क्रमांक में चेंज हो रहा है, भार इनका समान है। अब एक और एग्जांपल ले लो, जैसे कि आप ले लो ऑर्गन और पोटेशियम का, ऑर्गन 18 नंबर पे, परमाणु क्रमांक 40 लिख लो ऐसे, ये मैंने एक इसका समस्थानिक लिया है, और एक अपना पोटेशियम यानी के आता है 19 नंबर पे, और दोनों का परमाणु भार कितना लिया मैंने, 40 40, यानी इनके परमाणु क्रमांक तो भिन्न हो गए, सॉरी परमाणु क्रमांक तो भिन्न मगर इनके परमाणु भार समान हो जाएंगे, ये क्या कहलाएंगे, समभारिक कहलाते हैं। ये हो गया आपका समस्थानिक व समभारिक, ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, इसके बाद स्टार्ट करते हैं हम आयन। ठीक है, तो हम लोगों ने दो कंडीशन पढ़ी है अभी तक, तो परमाणु क्रमांक, परमाणु के बारे में विस्तृत चर्चा की, हमने पूरा परमाणु पढ़ लिया है, उसके बाद अब चर्चा करेंगे हम आयन के बारे में। उससे पहले आप लोगों को, मुझे लग रहा है शायद आपको तत्व के बारे में पता होना चाहिए आवर्त सारणी के अंदर, तो लगभग मेरे हिसाब से सबको 30 तक तो तत्व याद होने ही चाहिए। ठीक है, तो जिनको याद नहीं वो एक बार नोट डाउन कर देना मेरे साथ में, तो मैं आपको तत्व 30 तक तो नॉर्मल आपको आवर्त सारणी पढ़ाएंगे, उसके अंदर विस्तार में चर्चा करेंगे उनकी, मगर मेरे आगे कॉन्सेप्ट में आएंगे और बार बार बीच में आएंगे, इसलिए 30 तक तो आप याद कर लेना। ठीक है, तो इधर लिखो, आप इंडेक्स बना दो एक, इधर लिखो परमाणु क्रमांक, इधर लिख दो उस तत्व का नाम, ठीक है, और इधर लिख दो तत्व का प्रतीक। तत्व का प्रतीक सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं, देखो 30 प्रकार के तत्व पढ़ेंगे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकन, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और अपने कैल्शियम लास्ट के अंदर। ठीक है, ये 10 तत्वों की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग लगाओ आप लोग, हेडिंग क्या, सॉरी नाम लिखते चलो मेरे साथ में, हाइड्रोजन, दूसरा हीलियम। अब इसकी कोई ट्रिक नहीं है भैया, अब ट्रिक वाले हैं ना वो आवर्त सारणी के अंदर सारे याद करा दूंगा, मगर 30 तक तो अगर नाम याद हो गया आपको तो बहुत अच्छी बात है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम। ठीक है, परमाणु क्रमांक 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, इधर इनके मैं प्रतीक लिख रहा हूँ आप लोगों के सामने, हाइड्रोजन का H, हीलियम का HE, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन और ये सोडियम। ठीक है, अब बाकी के इधर लिख रहा हूँ मैं, कितने तक लिखा दिया था, 11 तक, इधर 12वां लिखो, सोडियम, मैग्नीशियम, 13वां एल्यूमिनियम, 14 हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकन, फॉस्फोरस, सल्फर,
हाइड्रोजन बेरियम बोरो कार्बोनेट ऑक्सीजन फ्लोरीन सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस सल्फर, इसके बाद पोटेशियम, पोटेशियम उसके बाद ऑर्गन, पोटेशियम ऑर्गन उसके बाद लिख दो आप लोग क्लोरीन, क्लोरीन बेरियम 13, 14, 15, 16 सल्फर क्लोरीन सॉरी क्लोरीन 18, 19, 20 पोटेशियम ऑर्गन, इधर आ जाएगा आपका आएगा पोटेशियम और यह आ जाएगा इधर कैल्शियम, ठीक है। यह आपके 20 तक तो इधर लिख देता हूँ मैं, और इधर आप लिख दो इसके परमाणु या प्रतीक क्या हो जाएगा, एम जी ए एल सिलिकन एस आई, फॉस्फोरस का पी, सल्फर का एस, क्लोरीन का सी एल, ऑर्गन का ए आर, पोटेशियम का के और कैल्शियम का सी ए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी के 10 इधर लिखवा देता हूँ मैं, ठीक है। बाकी के 10 बाकी है जो इधर लिखवा दूंगा मैं, ठीक है। याद रखना ये सल्फर या क्लोरीन ऑर्गन पोटेशियम कैल्शियम, ठीक है। ये 20 तक तो आपको याद होने चाहिए, उसके बाद 10 और लिखा देता हूँ, ठीक है। ये ले लो स्क्रीनशॉट और 10 और लिख दो आप इधर बाकी के 10। दस लिख दो और, इधर लिखो आप। अब आएगा 21 नंबर पे स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और ये 30वां क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, कोबाल्ट निकल, कॉपर और इधर आ जाएगा आपके ये जिंक, ठीक है। ये 30 तत्व आपको याद होने चाहिए, स्कैडियम को एस सी, टाइटेनियम को टी आई, वेनेडियम को वी, क्रोमियम को सी आर, मैग्नीज को एम एन, आयरन को एफ ई, कोबाल्ट को सी ओ, ओ छोटा, ठीक है, सी ओ, निकल को एन आई, कॉपर को सी यू और जिंक को जेड एन, ठीक है। ये 30 तत्व आपको मुंह पे याद होने चाहिए और इनके तत्व और इनका परमाणु क्रमांक भी आपको याद होना चाहिए। अब देखो दो आपके लोगों ने आपने देखा होगा अभी दो तत्व आए, एक आया था सोडियम, एक आया था सोडियम, इसका परमाणु क्रमांक आपने परमाणु क्रमांक क्या परमाणु सिंबल देखा होगा एन ए लिखा मैंने, तो एन ए क्यों लिखा जबकि सोडियम तो एस से स्टार्ट होना चाहिए, इसका नाम एस ओ ऐसा कुछ होना चाहिए सिंबल। इसका रीजन ये है इसका लैटिन भाषा में नाम दिया गया है क्योंकि एस ऑलरेडी अपने सल्फर और सिलिकन में हमने यूज ले लिया था, इसलिए सोडियम को इसके लैटिन भाषा के नाम पर दिया गया, तो एन ए इसका लैटिन नाम है नेट्रियम, ठीक है। नेट्रियम के आधार पर इसको एन ए कहा गया और पोटेशियम, पोटेशियम के अंदर हम फॉस्फोरस का पी यूज कर चुके हैं इसलिए इसको पोटेशियम को पी न देके कैल्शियम लिखा के सॉरी के कराए, और के का रीजन ये है कि इसको इसका लैटिन भाषा में नाम है केलियम, ठीक है। ये दोनों आप इनको लैटिन नाम याद रखना, ऐसे जनरल नॉलेज क्या पता पूछ भी ले, तो इसका पोटेशियम का लैटिन नाम क्या होगा केलियम और सोडियम का लैटिन नाम होता है नेट्रियम, ये रीजन है इसके पीछे, ठीक है, और कोई रीजन नहीं नया। ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब मैं रफ कर रहा हूं ये, अब आपको मैं जितनी बारी पूछूं तो 30 तक तो ये तत्व याद होने चाहिए। अब देखो एक और बात, 30 परमाणु क्रमांक है तो अब मेरा सवाल आप लोगों से है कि जिंक के अंदर प्रोटोनों की संख्या कितनी होगी भाई, जिंक के अंदर प्रोटोनों की संख्या कितनी होगी, जिंक के अंदर प्रोटोनों की संख्या भी कितनी होगी, 30 ही होगी क्योंकि हम लोगों ने कल पढ़ के आए थे हम लोग के परमाणु क्रमांक बराबर होता है उसके प्रोटोनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो जो भी परमाणु क्रमांक है वही उसके क्या है उसके अंदर प्रोटोन पाए जाते हैं, और ये लगभग अपना फॉर्मूला या जुगाड़ बैठ जाता है, जिसका परमाणु क्रमांक होता है ना वो उसका डबल कर दो वो उसके
परमाणु भार हो जाएगा और न्यूट्रॉनों की संख्या उसके अंदर निकाल सकते हैं हम, ठीक है। जुगाड़ है एक प्रकार का, हर बार सही नहीं होता, ठीक है। तो हम लोगों ने ये चर्चा कर दी आप लोगों ने, परमाणु की पूरी चर्चा। अब हेडिंग लगाओ आप आयन। आयन, आयन क्या होते हैं? आयन, आयन किसे कहते हैं? आयन किसे कहेंगे? आयन किसी परमाणु के अंदर, किसी परमाणु के अंदर से इलेक्ट्रॉन के त्यागने व इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करना के बाद जो संरचना बनती है उसको आयन कहा जाता है, ठीक है। और आयन दो प्रकार के होते हैं, सबको पता है, धन आयन व ऋण आयन। तो लिखो इसके अंदर आयन की डेफिनेशन, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने व त्यागने के बाद बने आयन कहलाते हैं, आयन कहलाते हैं, आयन कहलाते हैं, ठीक है। अब ये आयन बनते क्यों है? आयन बनने का एक तो रीजन हो गया कि ये अपने समान किसी यौगिक का निर्माण करना चाहते हैं, तब आयन का निर्माण होता है, और ये किसी अभिक्रिया में भाग लेने के लिए आयन का निर्माण होता है। तो आयन कितने प्रकार के हो जाएंगे? आयन हो जाएंगे दो प्रकार के। तो लिखो आयन दो प्रकार के होते हैं, आयन दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? धन आयन व ऋण आयन। ये लिखो धन आयन, इंग्लिश में बोलेंगे इनको कैटायन, ठीक है। तो कई कई आपको हिंदी में भी कैटायन दिखने को मिल सकता है, और बी हो जाएगा ऋणायन, ऋणायन यानी एनायन, ठीक है। अब इसके निर्माण आयन बनते क्यों हैं? तो पहला रीजन लिखो आयन बनने का कारण, आयन बनने का कारण क्या है? आयन बनने का कारण एक मुख्य कारण माना जाता है अष्टक पूर्ण करना। क्या हो जाएगा? अष्टक पूर्ण करना, अष्टक पूर्ण करना, ये रीजन है आयन बनने का, ठीक है। अब आयन धन आयन व ऋण आयन दो प्रकार के होते हैं, तो सबसे पहले हेडिंग लगाओ आप लोग धन आयन, इसकी चर्चा कर लेते हैं। धन आयन केटायन, इंग्लिश में बोलेंगे इसको केटायन। धन आयन कब बनेंगे और ऋण आयन कब बनेंगे? धनायन किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन का दान करना या इलेक्ट्रॉन का त्यागना, तब क्या बनेगा? धनायन। और किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना या एक्सेप्ट करना क्या कहलाएगा? ऋणायन। तो आप एक प्रकार का चार्ज लग जाता है किसी के ऊपर, प्लस चार्ज, और एक चार्ज होता है माइनस चार्ज। तो धनायन चार्ज और ऋणायन, धनायन कब आएगा? जब यह इलेक्ट्रॉन देगा, और ऋणायन यानी इलेक्ट्रॉन लेगा। तो आपको याद करने का तरीका हो जाएगा, ऋण आयन हमेशा दुखी होता है, तो ये किसी न किसी से कुछ न कुछ लेता रहता है, हमेशा इसकी नेगेटिव छवि है, तो किसी न कुछ लेगा, और ये पॉजिटिव यानी दानवीर यानी इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। ये याद रखना आपको धन आयन और ऋण आयन के अंदर, ठीक है। तो धन आयन लिखो, किसी परमाणु द्वारा, किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन के त्यागने की प्रवृत्ति या त्यागने से धनायन बनते हैं, धनायन बनते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन अपना धनायन त्याग, धनायन क्या, सॉरी, अपना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा क्यों? क्योंकि वह उसको अपना अष्टक पूर्ण करना है, ठीक है। इसके सामने आप बेस्ट एग्जांपल लेता हूं, आपके सामने पहले भी बताया था मैंने, सोडियम का, या आपका सोडियम यानी Na। परमाणु क्रमांक कितना होता है भाई इसका? 11। 11 परमाणु क्रमांक है, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? इलेक्ट्रॉन भी होंगे 11, और प्रोटॉन भी कितने हो जाएंगे? 11। अब ये इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे? 2, 8, 1। अब आप पूछोगे सर ये 2, 8, 1 ही क्यों है? इसको समझाता हूं मैं आपको, स्क्रीनशॉट लो पहले इसका, ऊपर से एक ये ऊपर बता दूंगा वापस में अच्छे से, ठीक है। तो देखो इसका रीजन क्या है 2, 8, 1 के, सर आप अपनी मर्जी से लिख रहे हो क्या? भाई मर्जी से नहीं लिख रहा हूं, ये आपको बता रखा है मैंने, याद आपको फॉर्मूला लिखवाया था एक 2n स्क्योर का, क्या लिखाया था मैंने? 2n स्क्योर एक फॉर्मूला लिखवाया था। तो देखो उसके साथ वापस देखो एक बार, ये नाभिक, ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा, ठीक है।
बात कर रहे थे हम लोग आप सब लोगों के सामने सोडियम परमाणु, परमाणु क्रमांक 11 यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी 11। अब यह आपको पता है मैंने उस समय करवाया था हाइड्रोजन वाला उसका बोर का करा रहा था, बोर वाले बताया था इलेक्ट्रॉन बढ़ने का क्रम क्या होगा 2n स्क्योर, n यानी कोषों की संख्या, एक कोष, दो कोष, तीन कोष। तो सबसे पहले कोष में इलेक्ट्रॉन कितने भरूं मैं, 2 × 1² यानी 2 या 2, ठीक है, इसलिए 2 लिखा मैंने आगे। उसके बाद दूसरे कोष में कितना भर सकता हूँ अधिकतम इलेक्ट्रॉन, तो 2 × 2² कितना आएगा 8, ठीक है, इसलिए मैंने ये लिखा यहाँ पे 8। उसके बाद एक क्यू लिखा मैंने, तीसरा कक्षक है 3² यानी 9 × 9 = 18। ये तो है अधिकतम इलेक्ट्रॉन 18 भरने, अब मेरे पास वही बचे ही नहीं 18, तो मैं 18 भरूँ क्यों, परमाणु क्रमांक कितना है 11, 2 और 8 10 10 और 1 11, तो अपना काम कंप्लीट हो गया, इसलिए मैंने 18 नहीं भर के कितना भरा है 1। अब ये समझ में आया 1 कहाँ से आया। अब देखो ये क्या करता है, अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, और कौन से को त्यागेगा, जो बाहर है उसी को ही त्यागेगा, अंदर वाले को त्याग नहीं सकता, तो जो बाहर है उसको त्यागा। ये आ गया इसके ऊपर प्लस का चार्ज, तो क्या बना दिया ये धन आयन बन गया, ठीक है, समझ में आ गई चीज कैसे बनता है धन आयन। अब जैसे कि एक और एग्जांपल लूं मैं आपके सामने, हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन त्याग के क्या बनेगा एच प्लस, लिथियम कितने नंबर पे आता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम 3 नंबर पे, परमाणु क्रमांक 3, बाह्यतम कोष में पहले कोष में तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और उसके बाद वाले कोष में कितने आएंगे दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मगर 8 होने भी तो चाहिए भरने के लिए, परमाणु क्रमांक कितना है 3, तो 2 आ चुके, अब कितना बचा पीछे 1, तो ये 1 है जो बाहर निकल जाएगा और ये बना देगा लिथियम प्लस, ठीक है। अब देखो लास्ट एग्जांपल बता रहा हूँ, उसके बाद मैं ऋण आयन स्टार्ट करूंगा, जिसको समझ में नहीं आया वो एक बार वापस ध्यान से देख लेना। अब मैग्नीशियम परमाणु क्रमांक कितना होता है, सोडियम के बाहर आता है भाई, तो सोडियम के बाद आता है, तो हमने परमाणु क्रमांक लिख दिया 12। अब देखो 12 2 8 2, अधिकतम तीसरे में कितना भर सकता हूँ 18, और भरे कितने मैंने 2, तो अब ये 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग करेगा, कितने इलेक्ट्रॉनों को त्याग करेगा 2 इलेक्ट्रॉनों का, सोडियम ने कितने त्याग किए 12, ये कितना, ये कितने त्यागेगा 2, तो बना देगा Mg+2। समझ में आ गई चीज, ये कैसे बनते हैं धनायन जो, ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट इसका। ठीक है, अब लास्ट ऋण आयन, उसके बाद कल पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो हम लोगों को अपनी समय सीमा का भी ध्यान रखना है, तो अपना टाइम भी कंप्लीट हो चुका है, मैंने आपको धन आयन कराया है बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया, और इसको अगली क्लास में अगर आप कहोगे तो कमेंट कर देना, चाहे फिर जिसको अब भी समझ में नहीं आया वो वापस अगली क्लास में समझा दूंगा कि क्यों धन आयन बन रहे थे आप लोगों के सामने, और अगले जो भी हमने परमाणु क्रमांक पढ़े वो भी आप 30 तक जो भी थे नेक्स्ट क्लास तक आप अच्छे से याद कर लेना इनको, क्योंकि आगे बहुत इंपॉर्टेंट है, और 30 तक तो यार लगभग याद होने ही चाहिए आपको, मैं तो ये मानता हूँ आपको, ठीक है। और रही बात आवर सारणी की, उसको अच्छे से ट्रिक के साथ समझा दूंगा मैं, अभी तो आपको 30 तक तो आप मुंह पे याद करो इनको, ठीक है दोस्तों। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बने दोस्तों। आज हम लोगों ने अपनी समय को ध्यान में रखते हुए 30 मिनट की क्लास हो चुकी थी, तो इसलिए धनायन हो गया अपना, और बाकी रह गया ऋणायन, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में अच्छे से समझा दूंगा, और जिसको धनायन समझ में नहीं आया वो कमेंट कर देना वापस अगली क्लास में, उसको भी हम ले लेंगे, ठीक है। और जो इस चैनल पर आज पहली बार नए आके जुड़े हैं वो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दें, और अपने दोस्तों को भी बताएं इस चैनल के बारे में, जहाँ फ्री में आपके लिए क्लासें हो रही है, ठीक है। तो आप जो इस चैनल से जुड़े हुए इसको लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को व्हाट्सअप पे, फेसबुक पे, सब जगह शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।